हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने कॉलर स्क्रीन में फ़ोटो वीडियो कैसे लगा सकते हो। जब से आपने मोबाइल लिया तब से आपके कॉलर स्क्रीन में एक बोरिंग सा वॉलपेपर आता होगा। अगर आप उसको चेंज करके फ़ोटो या वीडियो लगाना चाहते हो, अपने मनपसंद का फ़ोटो वीडियो लगाना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। जैसे कि आप ये देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बिफोर आफ्टर। तो आप भी इस तरह से अपना कॉलर स्क्रीन चेंज कर सकते हो और आप एक नया लुक दे सकते हो मोबाइल को। और गाइस, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, आप लोग वीडियो देख लेते हो और चले जाते हो, नहीं तो वीडियो को लाइक करते हो, नहीं तो कमेंट करते हो, तो भाई ऐसा मत किया करो। बहुत भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। तो भाई ऐसा मत किया करो भाई, अगर वीडियो देखती हो तो सर भाई एक लाइक तो कर दिया करो। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आते तो आप सिर्फ हाई या नाइस टाइप कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है या आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो, तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा। तो भाई चलिए मैं आपको बताता हूँ आप कॉलर स्क्रीन कैसे चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो रिंगटोन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो क्या जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा पेज आएगा वीडियो रिंगटोन। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए और वेट करने के बाद जो है आपके पास एक ऐसा पेज आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लेट्स गो में क्लिक कीजिए और सेट में क्लिक कीजिए। कॉलर आईडी के जो बगल में सेट है आप सेट में क्लिक कीजिए, वीडियो रिंगटोन को क्लिक करके सेट एज डिफ़ॉल्ट में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप सेट में फिर से क्लिक कीजिए और आप यहाँ पर वीडियो रिंगटोन को इनेबल कर लीजिए। तो आप इसको यहाँ पर ओके में क्लिक कर दीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर ड्रॉ वीडियो में क्लिक कीजिए और आप यहाँ से इसको भी इनेबल कर दीजिए। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर जनरल परमिशन में क्लिक कीजिए और आप इसको इनेबल कर दीजिए और कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। कंटिन्यू में आप फिर से क्लिक कीजिए, उसके बाद आपके पास वीडियो रिंगटोन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको ग्रीन कर दीजिएगा। ग्रीन करने के बाद आप वीडियो में क्लिक कीजिए और सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी में क्लिक कीजिए और आप अपना कस्टम वीडियो सिलेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पर जो वीडियो मिलते हैं वो वीडियो इतना अच्छा नहीं है, तो आप कस्टम वीडियो यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हो कि आपको कौन सा वीडियो लगाना है अपने कॉलर स्क्रीन में। तो वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक कर देना और यहाँ पर सेट थीम में क्लिक कर देना। सेट थीम में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऑल कॉन्टैक्ट्स में क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आप इसको क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद आपका वीडियो यहाँ पर सेट हो चुकी है। और यहाँ पर एक बटन है कॉल बटन, तो आप कॉल बटन में क्लिक करके आप अपना अपने मनपसंद का कॉल बटन सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा बटन चाहिए। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये वाला है, तो मैं ये वाला हार्ट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ। आप प्रीव्यू में क्लिक करके आप ये देख सकते हो कि आपका कॉलर स्क्रीन किस तरह से दिखेगा। अगर आप इसका वैल्यूम कम करना चाहते हो तो आप इस मेन्यू में क्लिक करो, सेटिंग्स में क्लिक करो और यहाँ पर तीन चार ऑप्शन है जैसे कि वाइब्रेट। अगर आप इस वाइब्रेट को ऑन करोगे तो आपको कोई कॉल आएगा तो आपका मोबाइल वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन है फ्लैश लाइट, अगर आप चाहते हो कि कोई कॉल आए तो मुझे फ्लैश लाइट जले तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। और यहाँ पर एक ऑप्शन है वैल्यूम का, तो आप यहाँ पर ये 100% रहेगा तो आप इसको 50 के नीचे ही रखिए, -50 के आसपास रखिए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं 26 सेलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ से मैं अब बैक हो जाता हूँ। मैं यहाँ पर लेटर में क्लिक कर देता हूँ और अब मेरा काम पूरा कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं अपने दूसरे फोन से इसमें कॉल करता हूँ, देखते हैं कि यहाँ पर कॉलर स्क्रीन चेंज हुआ है कि नहीं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कॉलर स्क्रीन चेंज हो चुके हैं और यहाँ पर गाना भी बज रहा है। ये गाना मैंने इसलिए म्यूट किया है कॉपीराइट की वजह से। तो गाइस, आप इसी तरह से अपने कॉलर स्क्रीन में वीडियो सेट कर सकते हो, बोरिंग सा बैकग्राउंड हटा के आप एक अच्छा सा अपने मनपसंद का वीडियो सेट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप ऐसे वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए।